Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. This is the part second of hematopoiesis. हिमेटोपोइसिस के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि जो हिमेटोपोइसिस होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स बनती हैं, जैसे कि RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, तो ये कौन से मैकेनिज्म की हेल्प से बनती है? हिमेटोपोइसिस की हेल्प से बनती है. तो हमारी बॉडी में जो ये ब्लड सेल्स बनती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, जैसे कि फीटल लाइफ में, चिल्ड्रन लाइफ में, एडल्ट लाइफ में, ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती है हमारी लाइफ की, तो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये हिमेटोपोइसिस या फिर ये ब्लड सेल्स हमारे कौन से बॉडी पार्ट के अंदर बनती है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा था. पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अब पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हिमेटोपोइसिस, मतलब जो ये मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं, तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या रहता है. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. हिमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कॉम्पोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. इसका मतलब हिमेटोपोइसिस एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ब्लड सेलुलर कॉम्पोनेंट्स का, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. मतलब सिंपली क्या है, हिमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स बनती हैं. ब्लड सेल्स कौन सी, जैसे कि हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. हिमेटोपोइसिस इन बोन मैरो स्टार्ट्स विद द स्टेम सेल्स. हिमेटोपोइसिस कहाँ स्टार्ट होती है, हमारी बोन मैरो में स्टार्ट होती है. और किस कौन सी सेल्स इसको स्टार्ट करती है, इस मैकेनिज्म को कौन सी सेल्स स्टार्ट करती हैं, वो होती है हमारी स्टेम सेल्स. अब व्हाट आर स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स क्या होती है, मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको डिटेल में समझाया है, यहाँ पे मैं एक बार सुपरफिशियली आपको बता देती हूँ. स्टेम सेल्स आर दो सेल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ असिमेट्रिकल डिवीजन. इसका मतलब स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, किस चीज़ की, असिमेट्रिकल डिवीजन की. अब असिमेट्रिकल डिवीजन क्या होता है, असिमेट्रिकल डिवीजन का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास चार स्टेम सेल्स हैं, इन चार स्टेम सेल्स को मैंने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया. ये हो गया हमारा ग्रुप फर्स्ट और ये हो गया हमारा ग्रुप सेकंड. अब ग्रुप फर्स्ट की जो दो स्टेम सेल्स हैं वो क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी और एक टाइप की क्या बनाएंगी, हमारी ब्लड सेल्स बनाएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बनाई, इसने आरबीसीज बना दी. अब इसकी जो ये ग्रुप सेकंड जो है, इसमें भी दो स्टेम सेल्स हैं, ये दो स्टेम सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होंगी और वापस किस में डिवाइड हो जाएंगी, स्टेम सेल्स के अंदर. अब यहाँ से हमें क्या समझ आया कि स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनके अंदर कुछ सेल्स तो क्या बनाती है, एक दूसरे टाइप की सेल्स बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आरबीसीज बना दी, और उसी ग्रुप के अंदर कुछ स्टेम सेल्स क्या करती हैं, वापस खुद में ही डिवाइड हो जाती हैं, खुद की ही कॉपीज बनाती है. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेम सेल्स किसमें डिवाइड हो गई, स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई. ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, अगर ये चारों ही स्टेम सेल्स क्या बन जाती, आरबीसीज बन जाती, तो यहाँ पे कोई स्टेम सेल्स रहती नहीं, धीरे धीरे स्टेम सेल्स क्या हो जाती, खत्म हो जाती. बट यहाँ पे स्टेम सेल्स क्या करती है, खुद की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके रखती है. खुद की भी पॉपुलेशन कैसे मेंटेन करती है, कि खुद की भी कॉपीज बना कर रखती है. अब ये वापस चार स्टेम सेल्स बन गई, ये चार स्टेम सेल्स में दो स्टेम सेल्स क्या बन जाएंगी, एक नई टाइप की ब्लड सेल्स बन जाएंगी, और दो स्टेम सेल्स क्या करेंगी, वापस स्टेम सेल्स की डिवाइड होंगी और खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन रखेंगी. ऐसे टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल डिवीजन. और असिमेट्रिकल डिवीजन जो शो करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स. अब देखिए नेक्स्ट है, जो स्टेम सेल्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये हमारी बॉडी के टोटल टिश्यू सेल्स, जो हमारे टोटल टिश्यू सेल्स होते हैं ना, उनको ये स्टेम सेल्स बना सकते हैं. मतलब हमारी बॉडी के जो टोटल, मतलब कंप्लीट जो टिश्यू सेल्स हैं उनके सेल्स को ये स्टेम सेल्स बना सकती हैं, इनके पास ये कैपेसिटी होती है. जबकि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट, मतलब मेनी टाइप्स टिश्यू सेल्स के, काफ़ी टाइप्स को ये बना सकते हैं, लेकिन ये सबको नहीं बना सकते. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टोटिपोटेंट को आप नाम से भी याद रख सकते हैं, टोटी का मतलब टोटल. तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स के साथ ये कैपेसिटी होती है कि ये हमारी जो सारे जो टिश्यू सेल्स हैं, टोटल टिश्यू सेल्स को ये क्या कर सकती है, बना सकती है, इसके पास ये कैपेसिटी होती है. लेकिन जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ये पूरे टोटल टिश्यू सेल्स को नहीं बना सकती, लेकिन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सेल्स को ये बना सकते हैं. अब जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड.
जो टाइप फर्स्ट होते हैं ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं लिम्फोइड सिस्टम से, जो हमारे लिम्फोइड लिंकेज या लिम्फोइड सीरीज होती है ना पूरी, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो जो ये वाली जो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं ये लिम्फोइड सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। दिस टाइप ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर रिलेटेड विद द लिम्फोइड सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जबकि जो टाइप सेकेंड होती है ये रिलेटेड होती है हमारी माइलॉइड स्टेम सेल से, इसलिए इनको कहा जाता है कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होंगी, दो टाइप्स की होंगी, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स फर्दर डिवाइडेड होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी हमारी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। ये वाली स्टेम सेल्स किस में इन्वॉल्व होंगी, लिम्फोइड स्टेम्स, जब लिम्फोसाइट्स वगैरह बनते हैं ना ये उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और ये वाली स्टेम सेल्स कब होती है, जब हमारी माइलॉइड सीरीज स्टार्ट होती है तो ये वाली स्टेम सेल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स को और कॉमन लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स को। देखिए जो ये कॉमन लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं थ्री कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर। अब कमिटेड स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है, कमिटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमिटमेंट करना। तो ये जो कमिटेड स्टेम सेल्स होती है ना ये कमिटमेंट देती है कि जब मैं डिवाइड होंगी एक पर्टिकुलर सेल, मतलब कमिटेड स्टेम सेल्स ये कमिटमेंट देती है कि जब मैं डिवाइड होंगी तो मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होंगी। ठीक है, तो वाई दी सेल्स आर नेम्ड एज कमिटेड स्टेम सेल्स, बिकॉज दी सेल्स आर कमिटेड, ये कमिटेड होती है टू अ पर्टिकुलर पाथवे, एक पर्टिकुलर पाथवे पे ये चलती है, किसके पाथवे पे, डिफ्रेंशिएशन के पाथवे पे, या फिर ये कहो कि और दी सेल्स आर कमिटेड टू डिफ्रेंशिएट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये कमिटेड होती हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के अंदर क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी, इसलिए इनको कमिटेड स्टेम सेल्स कहा जाता है। कमिटेड स्टेम सेल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, कमिटेड स्टेम सेल्स को कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं ये तीन कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। फर्स्ट है प्रो एनके स्टेम सेल्स, सेकेंड है प्रो टी स्टेम सेल्स, और यहाँ पे क्या है, प्रो बी स्टेम सेल्स। अब इनको कमिटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि फर्दर अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो कमिटेड स्टेम सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट होती है हमारी नेचुरल किलर सेल्स के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेम सेल्स के अंदर, सॉरी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स के अंदर। ये जो प्रो टी स्टेम सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट होगी किसके अंदर, एक पर्टिकुलर टी सेल्स के अंदर, मतलब ये प्रो स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, एक पर्टिकुलर टी सेल्स बनाएंगी। ये जो प्रो बी स्टेम सेल्स है ये भी एक पर्टिकुलर बी सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होंगी, इसलिए इनको क्या कहा गया है, कमिटेड स्टेम सेल्स कहा गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारे प्रो एनके सेल्स। प्रो एनके का मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल किलर स्टेम सेल्स। इन बोन मैरो प्रो एनके स्टेम सेल्स डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू नेचुरल किलर और एनके सेल्स। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये सब कहाँ हो रही है, बोन मैरो के अंदर हो रही है, स्टार्ट बोन मैरो से हो रही है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बोन मैरो में होती है, स्टेम सेल से स्टार्ट होती है। तो बोन मैरो के अंदर जो प्रो एनके स्टेम सेल्स है ये डिवाइड होती हैं, डिफ्रेंशिएट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइड हो रही है, मतलब कॉपीज बन रही है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ, उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ वो मेच्योरेशन के अंदर जा रही है, उसके बाद एक टाइप की सेल्स बन रही है। तो बोन मैरो में क्या होगा, जो प्रो एनके स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी, फिर वो डिफ्रेंशिएट होगी किसके अंदर, नेचुरल किलर सेल्स के अंदर, स्टेम सेल्स नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएंगी, प्रॉपर मैच्योर नेचुरल किलर सेल्स बन जाएंगी। उसके बाद बोन मैरो में ये बन गई, उसके बाद ये जो एनके सेल्स है ये किस में रिलीज हो जाएगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं और हम इनको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए हम सबको पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स फर्स्ट, सेकंड टी सेल्स एंड थर्ड इज बी सेल्स। हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, थ्री टाइप्स की होती है। कई लोग ये बोलते हैं कि दो टाइप्स की होती है, लेकिन क्या सही चीज़ क्या है कि हमारी लिम्फोसाइट्स तीन टाइप्स की होती हैं, एनके सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। अब क्वेश्चन ये है कि इन एनके सेल्स को टी सेल और बी सेल से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो देखिए एनके सेल्स क्या होती हैं, एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का एक टाइप है, लेकिन एनके सेल्स ना तो टी लिम्फोसाइट है ना वो बी लिम्फोसाइट है, इन दोनों से वो अलग है। क्यों अलग है, कैसे अलग है, देखिए जो टी सेल्स होती हैं इनके ऊपर आपको CD3 प्रोटीन्स नज़र आएंगे लेकिन एनके सेल्स पे नज़र नहीं आएंगे।
जबकि जो बी सेल्स हैं उनके ऊपर आपको CD19 एंड CD20 प्रोटीन्स नजर आएंगे, जबकि आपको NK सेल्स पे नजर नहीं आएंगे। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, ये है आपकी टी लिम्फोसाइट, ये है आपकी बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट पे अगर किसी सेल्स के ऊपर आपको CD3 प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं तो आप बोलोगे ये टी लिम्फोसाइट है, और अगर किसी सेल के ऊपर CD19 और CD20 प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं तो आप उसको बोलोगे ये बी लिम्फोसाइट है। और दोनों में से अगर कोई प्रोटीन नजर नहीं आता है तो वो आपकी क्या होंगी? NK सेल्स होंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, NK सेल्स को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ NK सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इज टू कंट्रोल सेवरल टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शंस बाय लिमिटिंग देयर स्प्रेड एंड सब्सिक्वेंट टिश्यू डैमेज। इसका मतलब जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स हो जाते हैं या फिर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं इनकी स्प्रेडिंग पावर काफ़ी होती है। हमें पता है जो कैंसर होता है, जो ट्यूमर होता है उसकी स्प्रेडिंग पावर काफ़ी होती है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी स्प्रेडिंग पावर भी काफ़ी होती है। तो NK सेल्स क्या करती हैं, इनकी स्प्रेडिंग पावर को क्या करती है, एक लिमिटेड करती है, हमारी स्प्रेडिंग पावर को कम करने की कोशिश करती है, जिससे कि जो फर्दर टिश्यू डैमेज है वो भी हमारी बॉडी में क्या हो सके, कम हो सके। अब नेक्स्ट है सेकेंड टाइप हमारा, प्रो टी स्टेम सेल्स और नाइव टी सेल्स। इसमें क्या होगा, ये भी बोन मैरो में हो रही है। तो इन बोन मैरो प्रो टी स्टेम सेल्स आर डिवाइडेड। बोन मैरो के अंदर प्रो टी स्टेम सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी और क्या करेंगी, रिलीज करेंगी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। किसको रिलीज कर रही है वो, देखो यहाँ पे प्रो टी स्टेम सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है और क्या बना रही है, इमेच्योर टी सेल्स। यहाँ पे क्या बन रही है, इमेच्योर टी सेल्स बन रही है। ये टी सेल्स जो होती हैं वो मेच्योर नहीं होती हैं, ये इमेच्योर होती हैं। ये इमेच्योर टी स्टेम सेल्स क्या होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बोन मैरो में बनी और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो गई, रिलीज हो गई। अभी ये स्टेम सेल्स, ये जो टी सेल्स हैं वो क्या है, इमेच्योर है। इसलिए क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन से ये इमेच्योर टी सेल्स कहाँ मूव करेगी, थायमस में मूव करेगी। इन थायमस में क्या होगा, जो ये इमेच्योर टी सेल्स हैं ये क्या होंगी, वहाँ पर मेच्योर होंगी और इनकी वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। इनको प्रॉपरली मेच्योर किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा कि आपको आगे चलकर बॉडी के अंदर जाकर आपको किस तरीके से काम करना है, वो सारी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये कन्वर्ट होंगी हमारी मेच्योर टी सेल्स के अंदर। तो थायमस में क्या हो रहा है, इमेच्योर टी सेल्स किस में बदलती हैं, मेच्योर टी सेल्स में, जब इनका क्या होता है, ये मेच्योर होती हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, ट्रेंड होती हैं, राइट। अब थायमस में ये क्या हो गई, मेच्योर हो गई, तो थायमस से ये वापस रिलीज हो जाएंगी हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ये मेच्योर टी सेल्स हैं इनको कहा जाएगा CD3 पॉजिटिव टी सेल्स कहा जाएगा। तो टी सेल्स के केस में क्या हुआ, सबसे पहले ये बोन मैरो में क्या हुई, डिवाइड हुई, डिफ्रेंशिएट हुई और इमेच्योर टी सेल्स बनी। फिर ये सर्कुलेशन में रिलीज हुई, सर्कुलेशन में ये इमेच्योर थी इसलिए वापस इसको थायमस में जाना पड़ा। थायमस में जाने के बाद, इसको टी सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि थायमस में जाके मेच्योर हो रही हैं। तो थायमस में जाने के बाद ये मेच्योर हुई, ट्रेंड हुई, उसके बाद ये मेच्योर टी सेल्स बनी और अगेन ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हुई और इनको उसके बाद क्या कहा जाएगा, मेच्योर टी सेल्स को क्या कहा जाता है, CD3 पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया था टी सेल्स पे कौन से प्रोटीन्स होते हैं, CD3 प्रोटीन्स होते हैं। तो मेच्योर होने के बाद ये प्रोटीन्स नजर आते हैं, तो अब इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, CD3 पॉजिटिव टी सेल्स। और दोज स्टेम्स और दोज सेल्स इन ब्लड सर्कुलेशन हैव CD3 प्रोटीन ऑन देयर सेल सरफेस आर कंसिडर्ड टू बी मेच्योर CD3 टी सेल्स, राइट। अब देखिए CD3 जो टी सेल्स होती हैं ये फर्दर कन्वर्ट होती हैं दो टाइप की टी सेल्स के अंदर। अभी आपकी क्या बन गई, एक CD3 पॉजिटिव टी सेल्स बन गई, लेकिन ये CD3 पॉजिटिव टी सेल्स फर्दर डिवाइड होती हैं दो टाइप की टी सेल्स के अंदर। पहला टाइप है हमारा हेल्पर टी सेल्स, जिन्हें हम हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो टी सेल्स होती हैं उनके ऊपर कौन सा प्रोटीन होता है, CD3 होता है। तो दोनों सेल्स पे क्या होगी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी कि दोनों में CD3 प्रोटीन आपको मिलेगा। जैसे ही आपको CD3 प्रोटीन मिल जाए आप क्या बोल दोगे कि ये टी सेल्स है। लेकिन टी सेल का कौन सा टाइप है, टाइप हेल्पर टी सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, आप कैसे पता करोगे। CD3 प्रोटीन्स के साथ अगर आपको CD4 प्रोटीन मिले तो आप क्या बोलोगे कि ये हेल्पर टी सेल है। इसका मतलब हेल्पर टी सेल्स के ऊपर दो प्रोटीन्स मिलेंगे, CD3 जो टी सेल्स बताएगा और कौन से टाइप का टी सेल है तो वो बताएगा आपको CD4 अगर आपको मिलता है तो वो हेल्पर टी सेल है। दूसरे केस में क्या है, CD3 है तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये टी सेल्स है। लेकिन CD3 के साथ अगर इसके ऊपर क्या है, CD8 है, तो आप क्या बोलोगे ये
कौन सा टाइप है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे आपको CD3 प्लस CD8 दोनों प्रोटीन्स मिलेंगे और इस केस में आपको CD3 और CD4 मिलेगा। अब देखिए हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं, दो सेल्स हैव बोथ CD3 एंड CD4, जिन सेल्स के ऊपर CD3 और CD4 दोनों सेल्स दोनों प्रोटीन्स होंगे उन सेल्स को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं फर्दर डिवाइडेड होती हैं दो टाइप्स के अंदर, हेल्पर टी हेल्पर वन सेल्स एंड टी हेल्पर टू सेल्स। नेक्स्ट है हमारा टी हेल्पर वन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, हम दोनों के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि टी हेल्पर वन सेल्स का क्या फंक्शन होता है और टी हेल्पर टू सेल्स का क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट है कि टी हेल्पर वन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, जो टी हेल्पर वन सेल्स होती हैं ये रिलीज करती है इंटरफेरोन गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को, ये दो चीज़ को रिलीज करती है इंटरफेरोन गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये मेन फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को जो टी हेल्पर सेल्स है ना वो क्या करती है, मॉनिटर करती है, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी चीज़ों को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर आपका इंटरफेरोन गामा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो है, तो क्या होगा, जो मैक्रो मोनोसाइट्स होती हैं, जो इनएक्टिवेट मोनोसाइट्स होती है, इनएक्टिवेट मैक्रोफेजेस होती हैं, उनको ये एक्टिव मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिटिल हाई हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर ये इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होती हैं इनएक्टिव मोनोसाइट्स और इनएक्टिव मैक्रोफेजेस किसके अंदर कन्वर्ट होती हैं, एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। इन सब सेल्स का ना अलग इन्फेक्शंस में अलग अलग रोल होता है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम ये देख रहे हैं कि इनके कॉन्सेंट्रेशंस पे बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हेल्प होती है। अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो इनएक्टिवेट मोनोसाइट्स हैं, जो इनएक्टिवेट मैक्रोफेजेस हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जाइंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो आप टीबी इन्फेक्शन में पड़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ टी हेल्पर सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है, तो टी हेल्पर सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, जिससे जो मोनोसाइट्स और जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी जाइंट सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से जो टी हेल्पर सेल्स है वो हमारी बॉडी की हेल्प करती है। सेकेंड है हमारे टी हेल्पर टू सेल्स। टी हेल्पर टू सेल्स जो होती हैं वो साइटोकाइंस को रिलीज करती है, साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। जो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 है वो कैसे हेल्प करता है, वो हमारे बी सेल्स पे काम करता है और बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करता है। देखिए IL-4 और IL-5 कैसे हेल्प करते हैं, मैंने आपको जो जनरल मैंने मेरे चैनल पे जनरल इम्यूनोलॉजी पे कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। उन वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है कि एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सुपरफिशियली देख लेते हैं कि जो बी सेल्स होती हैं ना, जब किसी हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट हम क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बनाने की जो प्रोसीजर होती है उसमें क्या होता है, जो बी सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं किसके अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। फिर ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, राइट। अब देखिए IL-4 IL-5 कैसे काम करता है, बी सेल्स किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल्स में। कैसे कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पे IL-5 आएगा, मतलब IL-5 क्या हेल्प कर रहा है, बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कौन सा इंटरल्यूकिन हेल्प कर रहा है, IL-5। फिर प्लाज्मा सेल्स क्या बना देती हैं, एंटीबॉडीज़। लेकिन IL-4 कैसे काम करता है कि बी सेल्स वापस किस में बन जाए, बी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो असिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है कि कुछ बी सेल्स तो प्लाज्मा सेल्स में बन गई और एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन कुछ बी सेल्स क्या करेंगी, खुद की भी कॉपीज बनाएंगी, राइट। उसे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए उसको सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो IL-4 इस पे काम करेगा कि तू भी तेरी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ाता रहे, जिससे तू आगे, अब यहाँ पे जैसे दो बी सेल्स थी, IL-4 ने डिवाइड करा, चार बनी, चार बी सेल्स में से फिर चार क्या बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स, चार प्लाज्मा सेल्स बनी तो चार एंटीबॉडीज़ बनी। ये मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा बी सेल्स बनती जाएंगी उतनी ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन पाएंगी। तो इंटरल्यूकिन 4 यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इट एक्ट एज ए बी सेल ग्रोथ फैक्टर। ये किसकी ग्रोथ को कर रहा है, बी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बी सेल ग्रोथ फैक्टर। और जो इंटरल्यूकिन 5 है वो बी सेल्स को हेल्प कर रहा है डिफरेंशिएट होने में, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स के अंदर ये डिफरेंशिएट हो सके। तो यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 5 है वो एक्ट करेगा, एक्ट एज ए बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर की तरह। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, प्रो बी स्टेम सेल्स। इसमें क्या होता है, वही बोन मैरो में जो प्रो बी स्टेम सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं किसके अंदर, मैच्योर बी सेल्स के अंदर। और फिर ये मैच्योर बी सेल्स किस में रिलीज हो जाती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाती है।
अब बी सेल्स का क्या काम होता है, द मेन फंक्शन ऑफ बी सेल्स इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वही जो मैंने यहाँ पे समझाया कि बी सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं किसके हेल्प से होती हैं, बी सेल्स की हेल्प से होती हैं। सो या हम अब हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस करा, जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की जो सीरीज है, कैसे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तीन टाइप के लिम्फोसाइट्स हमने देखे, एनके सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। कैसे इनकी सीरीज स्टार्ट होती है, क्या होती है एनके सेल्स, टी सेल्स कैसे काम करती है, बी सेल्स कैसे काम करती है, हमने सारा डिस्कस करा। अब नेक्स्ट पार्ट हिमेटोपोइसिस के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो माइलॉइड सीरीज है वो कैसे उसका मैकेनिज्म होता है और लास्ट में कैसे उससे ब्लड सेल्स बनती है। So yeah, all about this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.